मंदसौर जिले में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई जारी। शासन के आदेश अनुसार रेत माफियाओं पर भी कार्रवाई की जा रही है। सीतामऊ पुलिस ने रेत माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से रेत परिवहन कर रहे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया है। थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया है कि शासन के आदेश अनुसार रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए रेत का अवैध परिवहन कर रहे 7 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है और थाना परिसर में खड़ा किया गया है। सीतामऊ पुलिस लगातार अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सीतामऊ से ललित सेन की रिपोर्ट। सर, क्या कुछ कार्रवाई हुई है रेत माफियाओं पर? माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई के लगातार निर्देश शासन से प्राप्त हुए हैं। उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश जारी किए थे, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। उस तारतम्य में आज जो रेत का परिवहन कर रहे थे वो 7 ट्रैक्टर जब्त किए गए। और ट्रैक्टर के अलावा कोई वाहन जब्त हुआ है? नहीं, ट्रैक्टर जब्त हुए हैं। उन ट्रैक्टरों को हमने थाना परिसर में खड़ा करवा के माइनिंग विभाग को सूचना दे दी है, उनके माध्यम से आगामी कार्रवाई करवाई। खनन के अंतर्गत और किसी वाहन पर या किसी अन्य प्रकार के खनन पर कार्रवाई? वो पूर्व में जो कार्रवाई हुई थी खनन पे, उसमें एक जीसीबी और 4 ट्रैक्टर पूर्व में जब्त किए गए थे, उनके प्रकरण।